छोटा हम सा जो क्वेश्चन है ना, आंसर किए हैं, क्वेश्चन आंसर किए हैं। क्वेश्चन आंसर है, समरी भी कर लेना यस था। मैम। ओके, आज स्कूल में क्या क्या हुई? आज स्कूल में मैम हम लोग मैथ्स में लाइंस एंड एंगल्स पे पहुंच गए 5th चैप्टर, और साइंस में मैम वही हॉलिडे होमवर्क, इंग्लिश में, और मैम मेरे को एक मैथ्स में ना वो हॉलिडे होमवर्क मिला है ना, तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, टिक करके भेज देना, मैं बता दूंगी। ओके मैम, हाँ। सोच रहे हैं, क्या? और SST में अभी भी हम वहीं पर हैं, इंग्लिश में हम ब्रिंगिंग अप कारी पे पहुंच गए हैं, और हिंदी में मैम हम लोग हॉलिडे होमवर्क, और संस्कृत में भी हॉलिडे होमवर्क। अदर आपको समरी याद है, मतलब समरी बोल यस सकते हो? बोलो मैम, बोल सकते हैं। बोलो। यस मैम, बोल रहा हूँ यार, शुरुआत से हम शुरुआत तो भूल गया। वो तो अपने मन से भी बना सकते हो, उसमें क्या शुरुआत का क्या है? ऑब्जर्वेंस दो दो था, पैराग्राफ थे क्वेट ना। का, क्वेट का नेम लो, उसके बाद वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था वो बताओ। हम पहले सेकंड का पहले सुना दूं, सेकंड पैराग्राफ का। पहले तो पोएट के बारे में इसकी बताओगे, पोएट का नाम बोल दे। हम शुरुआत का ही नहीं दिखता ऐसे भी बताओ यार, द नेम ऑफ द पोएम, पोएट और उसका क्या है ऑब्जर्वर। हाँ गुड, तो मैं ये करूँगी। हम देखो फर्स्ट में क्या लिखा था। नहीं देखने की जरूरत नहीं है, बोलिए। आ गया। हाँ बताइए। The poet observes, the appearance and moving of the squirrel, the playfulness and swift movement of a squirrel attracts the attention of a poet, who dedicates the poem of a creature to nature. It eats nuts and sits straight. The action of a squirrel displays the naughtiness and playful nature. It is very shy too and it goes away when we play around it. And the color of a squirrel is gray with darker strips. His skin is overcoat, and the shape of its tail is like a question mark. देखो, first 3 stanza explain the appearance of the creature, and the last 3 stanza explain the nature of the creature. तो आपने just opposite कर दिया, पहले आपने nature of the creature का बता दिया, nature of the squirrel का, and after आपने first 3 stanza क्या था, first question mark थे, सेकेंड उसके ओवरकोट थे, ओके? तो ये उसके क्या थे, और उसका पोस्चर था जो स्ट्रेट था, यूजुअली वो बेंड होते हैं, और लास्ट के जो 3 थे वो प्लेफुल नेचर है, शाय है, वो थे, वो उसका नेचर था, और ये 3 उसके अपीयरेंस थे। तो पहले आपको फर्स्ट यू शुड डिस्क्राइब, हमने बोला था कि फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, सेकंड जो मतलब जो एक सेकंड पैराग्राफ था उसमें सेकंड स्टेंजा ऊपर लिखो फिर, और फर्स्ट वाला उसके बाद। नहीं, स्टैंजन पहले लाइन, पहला लाइन ओवर कोट था और दूसरा लाइन क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने बोला था क्वेश्चन मार्क वाले को पहले लिखो फिर उसके बाद ओवर कोट को लिखो, समझे?
तुमने क्या क्या लगता है पूरा स्टेंजा ही बदल दिया आपने, पूरा नेचर को ऊपर कर दिया, अपीयरेंस को नीचे कर दिया, वो नहीं करना था, दो लाइन फर्स्ट टू लाइन जो था उसको चेंज करना था, कोई नहीं मैं फिर चेक कर लूंगी। ओके अब मैं निकालती हूँ क्या क्या पढ़ाना है मुझे, आई एम नॉट रीडिंग। ओके